अगर आपकी कंपनी टैक्सेस में है और अगर अभी तक आप अपनी कंपनी का सेल्स टैक्स रिटर्न किसी थर्ड पर्सन से फाइल करवाते रहे हो या किसी अकाउंटेंट से फाइल करवाते रहे हो तो स्टॉप इट। अब आप अपनी कंपनी का सेल्स टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं। यस, इस वीडियो में हम कंपनीज का सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करना सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माय नेम इज अबूबकर। इस वीडियो में हम सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करना सीखेंगे। सो फॉर दैट यू हैव टू फॉलो मी ऑन द स्क्रीन। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर लेनी है, comptroller.taxes.gov। इसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ ताकि आप मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके जस्ट इस लिंक को कॉपी करें और आपके पास कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे ई सिस्टम लॉग इन वाला ये जो बटन आ रहा है इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नए डैशबोर्ड पे डाइवर्ट कर देगा जहाँ पे हम जो है वो यूज़र आईडी और पासवर्ड इनपुट करेंगे। ठीक है, तो ये देखें मुझे एक उसने एक नए डैशबोर्ड पे डाइवर्ट कर दिया हुआ है। यहाँ पे मैं अपनी कंपनी की जो यूज़र आईडी मैंने क्रिएट की हुई है वो पुट करूँगा और उसके साथ जो है नीचे पासवर्ड जो है वो पुट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा। जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये नेक्स्ट मुझे एक नए डैशबोर्ड पे डाइवर्ट कर देगा। ये देखें जहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक डैशबोर्ड खुल चुका हुआ है आपकी कंपनी का, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको दो तरह के टैक्सेस नज़र आ रहे हैं। लेफ्ट साइड पे आपको फ्रेंचाइज टैक्स नज़र आ रहा है और राइट साइड पे आपको सेल्स टैक्स नज़र आ रहा है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि फ्रेंचाइज टैक्स जो है ये आप पूरे साल में एक दफ़ा पे करते हैं और सेल्स एंड यूज टैक्स जो है ये आप हर क्वार्टर में पे करते हैं। तो अभी हम सेल्स एंड यूज टैक्स जो है इसकी रिटर्न सीखेंगे कि हम इसको किस तरीके से फाइल करते हैं। ठीक है, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये डेट है 11 अप्रैल 2023। तो मैं जो रिटर्न फाइल करूँगा वो फर्स्ट क्वार्टर की करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फाइल एंड पे वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे ये नए डैशबोर्ड पे ले जाएगा जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे आपकी कंपनी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको नज़र आ रही है और उसके बाद आपके पास कुछ चॉइसेस हैं कि आप अपनी रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं जो कि अभी हम करेंगे, ये रिटर्न फाइल करेंगे, या आप अपनी ऑलरेडी जो आपने रिटर्न फाइल की हुई है उसमें अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं या आप कोई पेमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, या लाइक आपको कुछ पेनल्टीज़ वगैरह डाली गई हैं टैक्सेस कंट्रोलर की तरफ से तो आप वो पेनल्टी पे करना चाह रहे हैं, या आप अपनी कुछ डुप्लीकेट जो है वो सेल्स टैक्स परमिट चाह रहे हैं या ब्लाबला जो अपनी लाइक हिस्ट्री चेक करना चाह रहे हैं या आप अपनी प्रीवियस रिटर्न्स की समरी चेक करना चाह रहे हैं, तो ये डिफरेंट चॉइसेस हैं। आप इनको सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करना सीखेंगे तो जिसमें क्या करूँगा, यहाँ पे फाइल ओरिजिनल रिटर्न पे क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रही है जिसपे पीरियड एंड 31 मार्च 2023 आ रहा है इस पर क्लिक करके यहाँ पे मैं कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करूँगा और ये देखें ये अब कह रहा है आपके पास कुछ क्वेश्चंस एंड आंसरिंग करेगा आपसे। अब ये कह रहा है कि आपने कभी किसी से क्रेडिट लिया है या नहीं लिया। तो ज़्यादातर पाकिस्तानी जो काम कर रहे होते हैं रिमोटली क्योंकि उनके पास वो क्रेडिट लोन नहीं लेते, उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता, तो ज़्यादातर केसेस में अगर आपने क्रेडिट नहीं लिया हुआ तो आप कह देंगे कि नो आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, कि आप आउट ऑफ यूएस जो है वो एक्सपोर्ट तो नहीं करते, तो हम कह देंगे यहाँ पे नो वी नॉट एक्सपोर्ट आउटसाइड द यूएसए। ठीक है, और कुछ इस तरह का आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। खैर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको पेज अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। अब यहाँ पे कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस नहीं है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जस्ट ये चेक मार्क जो है इसको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि आप अपनी डिटेल्स को वेरीफाई कर लें और अगर ये वेरीफाइड हैं तो आप इसको सबमिट कर दें। तो ये देखें ये मेरी सारी डिटेल्स वेरीफाइड हैं, मैं किसी से क्रेडिट नहीं लेता, यहाँ पे मैंने नो किया हुआ है और मैं एक्सपोर्ट भी नहीं करता, ना मैं किसी चीज़ की ब्रोकरी करता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने नो कर दिया। और उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे अब ये नीचे जाएंगे तो ये देखें मैंने सारी इंफॉर्मेशन जो है वो 00 डाली हुई है क्योंकि अमेज़ोन खुद मेरी कंपनी का
सेल्स टैक्स मेरी मेरे बिहाफ पे लेता है और ख़ुद जो है वो हर स्टेट को जमा करवा देता है। ठीक है, ये करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे और दैट्स इट, आप जो है वो सक्सेसफुली, आपका जो सेल्स टैक्स रिटर्न है वो सक्सेसफुली फाइल हो चुकी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको प्रिंट वाले बटन पे प्रिंट करके इसको आप अपने जो रिकॉर्ड है उसमें सेव कर सकते हैं।